हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम जो है Redmi Note 10 Pro यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर लेटेस्ट MIUI 12.5 का जो बीटा वर्जन है जिसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको गूगल प्ले स्टोर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्ले स्टोर जो है हमारे फ़ोन के अंदर परफेक्टली काम कर रहा है और भी आपको काफ़ी सारे जो है नए फीचर्स जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, फिंगरप्रिंट के नीचे जो है आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक, शटडाउन का नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें जब तक आप पासवर्ड को एंटर नहीं करेंगे आपका फ़ोन शटडाउन नहीं होगा। फाइंड डिवाइस मिल जाता है, MIUI की वार्निंग्स मिल जाती हैं आपको, एमरजेंसी SOS मिल जाते हैं आपको, अर्थक्वेक वार्निंग्स के ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ ये फैमिली गार्ड का भी ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। इवन और भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे स्कैन, सॉल्व प्रॉब्लम, सिक्योरिटी स्कैन, फेक बेस स्टेशन, पेमेंट ब्लॉक लिस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट्स को सिक्योर कर सकते हैं आप। काफ़ी सारे नए फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है सिक्योरिटी ऐप में भी यहाँ पे देखने को मिली हैं, जैसे बूस्ट स्पीड वगैरह, आप इन सबको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे नए फीचर्स जो हैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं आपको, जो इस फीचर में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इवन जो गैलरी है, गैलरी भी आपको जो है लेटेस्ट और अपडेटेड यहाँ पे मिली है, जिसमें एल्बम्स, रिकमेंडेशन, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो टूल बॉक्स जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए वीडियो टूल बॉक्स, इसमें स्टाइल, साउंड, ये सारे ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इवन जो आपको एनिमेशन देखने को मिलते हैं वो भी आपको जो है देखिए रोटिंग विंडोज़ के जो है नए एनिमेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एनिमेशन जो है पहले से काफ़ी स्मूथ हुए हैं, ये देखिए एनिमेशन जो है काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपको इसके अंदर काम करते हुए इसमें मिल जाते हैं। तो आज जिस रोम को हम अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करें हैं वो MIUI 12.5 के 21.6.30 के बीटा वर्जन के ऊपर बेस्ड है, जिसको आप किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू जो है अपने फोन के अंदर फ्लैश कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आजकल आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रह सकें। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम अराउंड कोई 400 लाइक्स का, मे बी आप उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, तो फटाफट लाइक के बटन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस रोम के अंदर जो है MIUI का डायलर विद रिकॉर्डर देखने को मिला है, इवन मैसेजिंग ऐप जो है आपको MIUI का देखने को मिला है, और सबसे अच्छी बात जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसके अंदर आपको ऑलवेज मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप ऑलवेज, शेड्यूल्ड या फॉर 10 सेकंड्स आफ्टर टैपिंग, इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सभी मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप नोटिफिकेशन के थ्रू नेचर मिक्स टोन्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट जो है इसके अंदर नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से फोन जो है काफी लैग करता है, तो उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू उसको यूज ना करें, क्योंकि उसके थ्रू जो है काफी लैग जो है आप क्रिएट होता है। आप किसी स्टैटिक वॉलपेपर को ही इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने आइकन पैक भी इसके अंदर चेंज कर रखा है, और सारी चीजें परफेक्टली काम कर रही हैं। आपको कोई भी चाइनीज क्रैपवेयर जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इवन आप काफी सारी एप्लीकेशंस को इसके अंदर से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे रिकॉर्डर को आप अनइंस्टॉल करना चाहें तो आप उसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी आप एक तरीके से पूरा ब्लॉटवेयर जो है इसके अंदर से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को आप जो है किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू आप फ्लैश कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिला है, जिसको आप राइट साइड के स्वाइप करते हैं तो आपकी नोटिफिकेशन बार जो है वहाँ पे आपको विजिबल होता है। अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा भी आपको लेटेस्ट मिला है, जिसमें आपको ब्लॉग मोड, क्लोन मोड, ये सभी के सभी मोड देखने को मिल जाते हैं। इवन जो फाइल मैनेजर है वो भी आपको जो MIUI 13 के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको टेस्टिंग पे इस टाइम पे रन किया जा रहा है MIUI 12.5 में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो MIUI 13 का फाइल मैनेजर भी आपको यहाँ पे डेवलपर ने प्रोवाइड किया, तो सारा का सारा जो क्रेडिट है इसके डेवलपर को जाता है, जिन्होंने इस रोम को Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के यूजर्स के लिए बनाया है। दोनों ही यूजर्स के लिए एक ही फाइल है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद जो है आप किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू जो है उसको अपने फोन के अंदर फ्लैश कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है, सिक्योरिटी जो है फुली अपडेटेड है। इवन जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे लॉक ऐप, पासवर्ड, सिक्योर कीबोर्ड, हाइड ऐप, सेकंड स्पेस, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली हैं। इवन जो है आपको इसके अंदर प्राइवेसी के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट ऐप बिहेवियर। जब भी कोई एप्लीकेशन जो है आपके किसी कैमरा को एक्सेस करेगा या माइक्रोफोन को एक्सेस करेगा तो उसकी नोटिफिकेशन भी जो है आपको आपके स्टेटस बार में वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको सभी के सभी जो है MIUI के एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। रीसेंट टैब्स भी जो है आपको विद लेटेस्ट मॉडिफिकेशन के साथ मिले हैं, जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है मेरे को, जिन्होंने फ्लोटिंग विंडोज़ का जो एनिमेशन है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अब आप सेंटर में इसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का आपको एनिमेशन जो है अब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नीचे पिल के बटन पे आप स्लाइड करते हैं तो लास्ट एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं
वो आपके फ़ोन के ऊपर विजिबल हो जाती हैं। तो जो लोग MIUI डायलर को मिस कर रहे हैं उसको यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी के एडवांस फीचर जिनको चाहिए वो उसको यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी बात जो है आपको इसके अंदर प्ले स्टोर का भी सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ रोम है तो आपको इसके अंदर प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है। हाँ, प्ले स्टोर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और सेफ्टी नेट को भी आप पास करना चाहें तो वो भी आप पास कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे जो है आप सेफ्टी नेट को भी इसके अंदर पास करते हैं, तो उसको भी जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस रोम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 Pro Max के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।